पार्टी के जो नेता है वो भी आते हैं, तो वहां पे उन लोगों को समझाने के लिए, मैनेज करने के लिए प्रशासन पहले से यहाँ पे अलर्ट है। जी बिल्कुल, निश्चित हम चाहेंगे कि वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन मौजूद है आप उनसे भी बातचीत करें और उनसे सवाल करें कि क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ व्यवस्था उनकी तरफ से की गई है। बिल्कुल पूजा, देखिए इधर महिला पुलिस भी है और इधर कुछ जवान भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आरपीएफ के हैं। सर, आप लोगों की क्या तैयारी है आज, क्योंकि बंदी का आह्वान किया गया है? मैडम, क्या तैयारी है आप लोग? क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की आज की, क्योंकि बंदी का आह्वान किया गया है और कई राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं विपक्ष के वो सड़कों पे आज उतरे हुए हैं, आप लोग कैसे अलर्ट हैं? हम लोग सारी व्यवस्था अच्छा से रखे हैं ताकि कोई हंगामा नहीं हो। बच्चे लोग, छात्र लोग भी हैं। छात्र यहाँ पे सुबह से तो आए नहीं हैं? अभी तो नहीं आए हैं। अच्छा। इसीलिए हम लोग सारे जो भी हैं पदाधिकारी भी हैं सब लोग हैं यहीं पे। और रेल आराम से चल रहा है यहाँ पे? रेल वेल बंद तो नहीं है? नहीं नहीं, रेल आराम से चल रही है। हाँ। आपकी टीम भी यहाँ पे मौजूद है, तो किस तरीके से स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश रहेगी अगर कुछ होता है तो? होता है तो हम लोग पहले तो आराम से समझा देंगे कि जो मांगो तरीका से मांगो, अभी ये नहीं कि हंगामा करोगे, सरकार का इतना क्षति होगा फिर कहाँ से आएगा। लेकिन छात्र सब तो कहीं ना कहीं समझ गए हैं, छात्र कई कम संख्या उनकी दिख रही है, कहीं है कहीं भी छात्र हैं लेकिन संख्या कम है। राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, जो छात्र विंग के राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए यहाँ पे क्या तैयारी है? यहाँ पे कोई पहुँचा भी है क्या? अभी तो कोई पहुँचा नहीं है, अब पहले से बताया गया है कि आएगा लोग, इसलिए सारे फोर्स लोग हैं, हम लोग अच्छे से तैयारी रखे हैं कि अब जैसा होगा उस तरह से हम लोग करेंगे, और क्या कर सकते हैं। वरीय अधिकारियों ने आदेश दिया है यहाँ पे अलर्ट? हाँ हाँ, वरीय अधिकारी लोग बोले हैं कि अलर्ट रहेंगे। अभी जो हमसे सीनियर थे वो भी थे, बड़ा बाबू भी थे, और जितना स्टाफ लोग हैं हम लोग सब स्टाफ हैं कि यहाँ हंगामा नहीं है। चलिए, तो पूजा देखिए हंगामा ना हो उसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है जीआरपी है, आरपीएफ है, और किसी तरीके की कोई चूक ना हो, अगर कोई आता भी है यहाँ पे तो उनसे निपटने की पूरी व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। लेकिन निषेध, अलग अलग अगर हम पटना की तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। डाक बंगले चौराहे की भी तस्वीर है, उत्कर्ष ने हमें दिखाने की कोशिश की, वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अब पुलिस पर भी लगातार हमला कर रहे हैं और एक पुलिसकर्मी भी वहां पर जख्मी हो गए हैं। निषेध, आप बिल्कुल देखिए पूजा, अगर कुल मिला के स्थितियों की बात करें तो जो आज का बंद का आह्वान किया गया था वो रेलवे के छात्रों की ओर से किया गया था और उन छात्रों को समर्थन दिया था जो बिहार की विपक्षी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जाप, इन पार्टियों की ओर से समर्थन दिया गया था, भाकपा माले, ये पार्टियां हैं जो समर्थन देने के लिए इन्होंने पहले ही कहा था कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन जो बीती रात खान सर ने लाइव आके छात्रों से अपील की कि आप लोगों की बातों को सुना जा रहा है, रेलवे जब आपकी बातों को सुन रहा है तो आप लोग इस बंदी में सड़कों पर नहीं उतरे, और जो तस्वीर हम आज देख रहे हैं वो तस्वीर देख के ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन छात्रों को कहीं ना कहीं खान सर की ओर से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर से इस आंदोलन को बड़ा स्वरूप देने की कोशिश करी हुई कर रही है और कहीं ना कहीं छात्रों को एक बार फिर से भड़काने की भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की विपक्षी पार्टियां का काम कर रही है इस प्रदर्शन के जरिए। निषेध, बिल्कुल राजनीतिक पार्टी भी रोटी सेकने का काम कर रही है, जहां एक तरफ अब छात्र शांत दिख रहे हैं वहीं अब देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां अब सड़कों पर उतर रही है, ऐसे में इस प्रदर्शन को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। निषेध,
बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे ये बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं बातों को समझ रहे हैं, छात्र इस चीज को समझ रहे हैं कि रेलवे कोई ना कोई फैसला ले रहा है और रेलवे ने एक बेहतर फैसला लिया भी है। अब जांच होगी, रेलवे उन छात्रों की समस्या